कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पिछले दो दिनों से जिस तरह से चित्तौड़गढ़ की जनता ने अपनी समझ और सूझबूझ का परिचय दिया और जिस अनुशासित तरीके से उन्होंने अपने आप को घरों में बंद रखा, भीड़ से दूर रहे, जनता कर्फ्यू को सफल बनाया, उसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले की पूरी जनता को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना घातक है। आगामी 31 तीन 2020 तक का समय हम सब लोगों के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है और हमारे धैर्य और अनुशासन की परीक्षा इसमें होगी। जिले में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और इससे बचाव का एकमात्र तरीका है कि आप अपने घरों में रहें, भीड़भाड़ से बचें, अपने और अपने परिवार को इससे बचाएं, खुद और अपने परिवार की सुरक्षा करें, उनको सुरक्षित रखें। अगर आपने अपने आपको और अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया तो मान लीजिए कि चित्तौड़गढ़ की जनता, प्रदेश और देश की जनता सुरक्षित है। जिंदगी अमूल्य है, थोड़ी सी लापरवाही इसके लिए घातक साबित हो सकती है और आपके साथ साथ आपके परिवारजनों के लिए और आस पड़ोस के लोगों के लिए और जो लोग आपके संपर्क में आए उनके लिए भी घातक हो सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिले की जनता, आमजन के जीवन की सुरक्षा के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है जो 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। इसमें 5 से ज्यादा व्यक्तियों को एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है। सारे सामाजिक और धार्मिक आयोजन जिसमें भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है उनको रोकने का आदेश जारी किया गया है। आपसे भी मैं अपील करता हूं कि आप भी इस अवधि में अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और बहुत ही आवश्यक होने पर ही आप जो है घर से बाहर निकलें और यथासंभव घर पहुंचे। लोक परिवहन के सारे साधन बंद रहेंगे इस अवधि में। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको संबंधित SDM से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही निजी वाहनों जो है लोक परिवहन वाहनों से यात्रा करने की अनुमति होगी। मैं इसके साथ साथ ये भी आगाह करना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की गई और आम जन के जीवन को संकट में डालने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, उसके लिए सख्ती से निपटेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति नहीं दे सकते कि वो अपनी गलती, अपनी लापरवाही से दूसरों के जीवन को संकट में डाले। चित्तौड़ की जनता बहुत समझदार है और अपनी समझदारी का परिचय उन्होंने पिछले दो दिनों में दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस अपील पर ध्यान करेंगे और किसी भी कठोर कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।